स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति, मुस्कुराहट सबसे बड़ी ताकत और आत्मविश्वास जिंदगी की सबसे खूबसूरत वस्तु होती है। तीनों को अपने जीवन में लाइए और जिंदगी खूबसूरत बनाइए। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। आज देश भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मना रहा है जनजातीय गौरव दिवस। श्रद्धा सुमन अर्पित करने प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे बिरसा मुंडा की जन्मस्थली। जनजातीय समाज के लिए करेंगे 24,000 करोड़ रुपए की जनजातीय समूह मिशन की शुरुआत। जनजातीय गौरव दिवस पर संसद भवन में भी विशेष कार्यक्रम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष सहित कई विशिष्ट जन पुष्पांजलि अर्पित कर भगवान बिरसा मुंडा को करेंगे याद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारतीय नौसेना के वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतर्गत हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2023 में लेंगे भाग। मुख्य वक्ता के तौर पर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, नई सोच नई कहानी, अ रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी से आज करेंगी नई शुरुआत। आकाशवाणी का कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कहानियों को लाएगा सामने। वनडे विश्व कप का पहला सेमीफाइनल आज। मुंबई के वानखेड़े में भारत की न्यूजीलैंड से होगी भिड़ंत। लीग मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को बुरी तरह किया था परास्त। आज क्रांतिवीर और जनजातीय समाज के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती है। इस अवसर पर आज देश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस दिन को मनाने और भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने प्रधानमंत्री मोदी कल रात ही उनकी जन्मस्थली झारखंड पहुंच गए। अब आपको बता दें कि मंगलवार रात करीब 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के रांची पहुंचे। आबा भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर विशेष विमान से प्रधानमंत्री पहुंचे। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। वहां से उनका काफिला राजभवन के लिए निकला। इसके बाद प्रधानमंत्री ने रांची में 10 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे से राजभवन तक सड़क के दोनों ओर हजारों लोग खड़े थे। बात कर रहे थे प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रमों की। आज सुबह करीब 9:30 बजे प्रधानमंत्री रांची में भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का दौरा करेंगे। इसके बाद वो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव जाएंगे। प्रमुख सरकारी योजनाओं का प्रसार सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद वो करीब 11:30 बजे खूंटी में तीसरे जनजातीय गौरव दिवस 2023 के उपलक्ष में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा और प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन का शुभारंभ भी करेंगे। बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री झारखंड के खूंटी में IEC यानी सूचना शिक्षा और संचार वैन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये यात्रा महत्वपूर्ण जनजाति आबादी वाले जिलों से शुरू होगी और 25 जनवरी 2024 तक देश के सभी जिलों को कवर करेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एक अनुपम पहल, प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, प्रधानमंत्री PVTG मिशन का शुभारंभ करेंगे।
प्रधानमंत्री लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लगभग 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किश्त भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री झारखंड में लगभग 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ कुछ परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर संसद भवन परिसर में भी एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष संसद भवन परिसर में मौजूद रहेंगे। इस दौरान वो भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट। आदिवासियों के महानायक बिरसा मुंडा का जन्म मौजूदा झारखंड के खूंटी जिले में 15 नवंबर 1875 को हुआ। आदिवासी परिवार में जन्मे बिरसा मुंडा के पिता सुगना पूर्ति और मां कर्मी पूर्ति निषाद जाति से ताल्लुक रखते थे। बिरसा मुंडा का सारा जीवन आदिवासियों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करने और उनके हित के लिए अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए बीता। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों के कारण कई बार उनकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन ना तो वो सफर थमा और ना ही अधिकारों की लड़ाई मंद पड़ी। बिरसा मुंडा के जन्म के समय अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार बहुत बढ़ चुका था। ब्रिटिश सरकार के समय शोषण और दमन की नीतियों से आदिवासी समुदाय बुरी तरह जूझ रहा था। आदिवासी जमीन छीनने के साथ साथ कृषि प्रणाली में कई बदलाव किए जा रहे थे। आवाज उठाने पर बुरा सुलूक किया जा रहा था। इन सब नई नीतियों के चलते मेहनतकश आदिवासी समूह के घर खाने के लिए अनाज के लाले पड़ने लगे थे। इन सब विपरीत हालातों को देखते हुए बिरसा मुंडा बड़े हो रहे थे। बिरसा मुंडा वो नाम है जिसे न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के युवा आज भी अपना आदर्श मानते हैं। अंग्रेजों के सामने कभी न झुकने वाले बिरसा मुंडा ने लगान वापस लेने जैसी बातों को लेकर अंग्रेजी हुकूमत से आंख मिलाई। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष खड़ा किया। अंग्रेजों के सामने वो ऐसा खतरा बन चुके थे कि हुकूमत ने उन पर 500 रुपए नकद तक का इनाम रख दिया था। लगान न चुका पाने पर अंग्रेज आदिवासी समूह की जमीन हड़प रहे थे। ऐसे अत्याचार के बाद बिरसा मुंडा ने खुलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते हुए कहा कि वो लोग अंग्रेजों के नियमों का पालन नहीं करेंगे। जमीन उनकी है और अंग्रेज उसे ऐसे नहीं छीन सकते। उनके इस उग्र विद्रोह ने हुकूमत में डर पैदा किया था। यही वजह थी कि शासन ने बिरसा मुंडा समेत उनके साथियों को गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया। अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ और लगान माफी के लिए बिरसा मुंडा ने 1 अक्टूबर 1894 को आदिवासी समुदाय के साथ मिलकर आंदोलन किया। शासन ने 9 अगस्त 1895 को पहली बार बिरसा को गिरफ्तार किया। 2 साल की जेल हुई थी, मगर बाद में उन्हें जल्दी रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ बिरसा का विद्रोह और भी शक्तिशाली बन गया। इसके लिए उन्होंने कई छोटे छोटे संगठन बनाने समेत डोमबारी पहाड़ी पर मुंडाओं की बैठक की और हुकूमत के खिलाफ रणनीति बनाई। बिरसा मुंडा के हथियार बंद विद्रोह की खबर जैसे ही अंग्रेजों के कानों में पड़ी, उन्होंने उसे फौरन दबाने के बारे में सोचा। इसके लिए उन्होंने विद्रोह से जुड़ी जगहों पर छापेमारी समेत कई गिरफ्तारियां की और हिंसा का हथकंडा अपनाया। क्रूर अंग्रेजों ने आम आदिवासियों की घर संपत्ति तक लूटी। अंग्रेजों के खिलाफ बिरसा मुंडा की लड़ाई यूं तो बहुत कम उम्र में ही शुरू हो गई थी, लेकिन एक लंबा संघर्ष 1897 से वर्ष 1900 के बीच चला। इस बीच मुंडा जाति के लोगों और अंग्रेजों के बीच युद्ध होते रहे। बिरसा मुंडा और उनके समर्थकों ने तीर कमान से अंग्रेजों से लोहा लिया और युद्ध जीता भी।
बाद में अपनी हार से गुस्साए अंग्रेजों ने कई आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जनवरी 1900 में डोमरी पहाड़ पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिरसा मुंडा पर अंग्रेजों ने हमला किया। हमले में कई औरतें और बच्चे मारे गए। बिरसा के शिष्यों की गिरफ्तारी हुई। बाद में 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल से अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया। जब इस तरह की बर्बरता होने लगी तो बिरसा मुंडा और उनके समूह ने अंग्रेजों के एक ठिकाने पर हमला किया, जिसमें कई सारे अंग्रेज अफसर मारे गए। इसके बाद बिरसा मुंडा और उनके समूह ने गोरिल्ला युद्ध भी किए। बिरसा मुंडा और उनके साथियों ने अंग्रेजों के करीब 100 ठिकानों को जला दिया। अंग्रेज समझ चुके थे कि बिरसा मुंडा को हराना इतना आसान नहीं, जिसके बाद उन्होंने एक बड़ी सेना बुलाकर इस विद्रोह के स्वर को दबाना चाहा। आखिरकार डोमरी पहाड़ियों पर अंग्रेजी सेना ने इस समूह को घेर लिया और हथियार डालने को कहा, मगर वहां से सुर आजादी के निकल रहे थे। बिरसा के साथियों ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। अंग्रेजी सेना ने अपनी गोलियों से कई आंदोलनकारियों के सीने छलनी कर दिए, मगर बिरसा उस जगह से भागने में सफल रहे। अपने बचे हुए साथियों के साथ वो जामकोपाई के जंगलों में चले गए थे। इस जंगल में रहते हुए उन्होंने अपना विद्रोह जारी रखा। वो गांव देहात जाकर लोगों को जागरूक कर रहे थे, मगर संगठन के कुछ लोगों ने सरेंडर का फैसला कर लिया। अंग्रेजों को बिरसा मुंडा के ठिकानों की भनक हो गई थी। बिरसा मुंडा और उनके सैकड़ों साथियों को जामक्रोपी के जंगल से सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली, जब रांची कारागार में अंग्रेजों ने उन्हें जहर देकर मार दिया। महज 25 साल की उम्र में एक नौजवान अंग्रेजों की तानाशाही के सामने बिना झुके शहीद हो गया। इस वीर क्रांतिकारी को सलाम। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल के आदिवासी क्षेत्रों में उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा ने स्वतंत्रता के लिए समाज में जागरूकता फैलाने के लिए कई उपाय अपनाए। उन्होंने समुदाय को जोड़ने, व्यापारियों के द्वारा ग्रामीणों पर निर्भरता को कम करने और न्यायपूर्ण स्थानीय प्रशासन की मांग करने के लिए एक आंदोलन चलाया। इससे न सिर्फ उन्होंने लोगों के बीच एकजुटता के भाव को बढ़ाया, बल्कि सरकार को भी समझाने की कोशिश की कि वे लोग न्यायपूर्ण अधिकारों के अभाव में किस तरह से जी रहे हैं। बिरसा मुंडा का बहुत सारा समय उनके समुदाय के लोगों की सेवा करने में बीता। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के बारे में शिक्षा देने की भरसक कोशिश की। उन्होंने युवा पीढ़ी को आदिवासी बचाओ आंदोलन में सहयोगी बनाया। उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के बारे में जागरूक किया। हम आपको बता दें कि जनजातीय गौरव दिवस यानी कि बिरसा मुंडा की जयंती पर आज संसद भवन प्रांगण में भी एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है, जिसकी सीधी जानकारी आपको हम पहुंचाएंगे। और जिस कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के साथ अन्य विशिष्ट जन भी सम्मिलित होंगे। जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी, हम चलेंगे कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आपके साथ साझा करने। फिलहाल बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय एकता यात्रा में भाग लेने वाले आर्मी गुडविल स्कूल फरोना कारगिल के छात्रों के एक समूह से मुलाकात की। राष्ट्रीय एकता यात्रा के तहत ये छात्र नई दिल्ली में हैं। किसी भी देश की ताकत तो उसका युवा होता है। युवा देश को नई दिशा देते हैं और भविष्य का भारत कैसा होगा उसका बहुत कुछ देश के युवाओं पर ही निर्भर करता है। इस लिहाज से राष्ट्रीय एकता यात्रा में यूं तो देश का हर वर्ग सामने आया, लेकिन युवाओं की भागीदारी और जोश ने इस यात्रा को अलग मुकाम पर पहुंचा दिया।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। भारतीय नौसेना के आज से शुरू हो रहे वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद में हिस्सा लेने वाले हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए आज से नई दिल्ली के माणिक शाह सेंटर में भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू होने वाला है। आज इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मुख्य भाषण होगा। 3 दिवसीय इस सम्मेलन को केंद्रीय मंत्रियों और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के विशेष संबोधन की श्रृंखला के साथ साथ विचार विमर्श और व्यापक मार्गदर्शन देने के लिए डिजाइन किया गया है। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग से पहले भारतीय नौसेना ने 29 से 31 अक्टूबर तक गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव आयोजित किया था। आइस कॉन्क्लेव ने महासागरों को मुक्त और खुला रखने की दिशा में साझा प्रतिक्रियाओं के विकल्प तलाशने का मौका दिया। इसी क्रम में IPRD रणनीतिक स्तर पर नौसेना की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की प्रमुख अभिव्यक्ति है, जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में समग्र समुद्री सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की जानी है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज से आकाशवाणी पर विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सफलता पर आधारित कार्यक्रम नई सोच नई कहानी और रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी प्रस्तुत करेंगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि उद्यमिता, कौशल विकास, खेल, स्वास्थ्य और वित्त सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सफलता का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी पर यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 1 घंटे का साप्ताहिक कार्यक्रम नई सोच नई कहानी और रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी आकाशवाणी पर प्रत्येक बुधवार को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। पहला कार्यक्रम आज यानी कि 15 नवंबर को आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाएगा। इसे देश भर के आकाशवाणी केंद्रों से भी प्रसारित किया जाने वाला है। यह कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप, आकाशवाणी वेबसाइट और आकाशवाणी YouTube चैनल और इसके विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध होगा। पहले कार्यक्रम में स्टार्टअप से जुड़ी महिलाएं और स्वनिर्मित व्यवसायी महिलाएं शामिल होने जा रही हैं, जो अपनी सफलता की कहानी साझा करेंगी। इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के तरीकों के बारे में बतलाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो जाएगा। दूसरे चरण के तहत मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों और छत्तीसगढ़ की कुल 90 सीटों में से 70 सीटों के लिए इस महीने की 17 तारीख को मतदान होने वाला है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव के लिए इस महीने की सात तारीख को 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ था। साथ ही मिजोरम में भी सभी 40 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पहले चरण में ही यानी कि एक चरण में ही मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी वापस लेने की भी आज आखिरी तारीख है। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। राज्य में प्रचार अभियान जोर पकड़ता जा रहा है। सभी प्रमुख दलों के शीर्ष नेता अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से किसी भी तरह का चंदा प्राप्त करने वाले सभी दलों से इस योजना के शुरू होने के बाद से उन्हें मिले चंदे का ब्यौरा आज शाम तक जमा करने के लिए कहा है। आयोग ने यह कदम 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 30 सितंबर 2023 तक प्राप्त धन के ताज़ा आंकड़ों को सीलबंद लिफाफे में जमा करने के उसे निर्देश दिए जाने के बाद उठाया है। आयोग ने कहा है कि उस तक सीलबंद लिफाफे आज शाम तक पहुंच जाने चाहिए और लिफाफों पर स्पष्ट रूप से गोपनीय चुनावी बॉन्ड लिखा होना चाहिए। आयोग ने 3 नवंबर को सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को लिखे पत्र में उनसे प्रत्येक बॉन्ड के साथ दानदाता की विस्तृत जानकारी, ऐसे प्रत्येक बॉन्ड की राशि और अन्य जानकारी जमा करने के लिए कहा है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 16 नवंबर से 17 नवंबर तक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 10वीं बैठक प्लस यानी ADMM प्लस में शामिल होंगे। ठीक पहले दिन रक्षा मंत्री ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर संबोधन करने का कार्यक्रम है। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक से हटकर राजनाथ सिंह भाग लेने वाले देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इन सत्रों के दौरान वो रक्षा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि ADMM आसियान देशों के हित में सर्वोच्च रक्षा परामर्श है और ये सहकारी तंत्र है। ADMM प्लस एक ऐसा मंच है जिसमें 10 देशों का आसियान और इसके 8 संवाद भागीदार हैं, जिसमें भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत पूरे विश्व के लिए पसंदीदा निवेश स्थल है। सैन फ्रांसिस्को में भारत अफ्रीका रणनीतिक भागीदारी फोरम में निवेशक विचार विमर्श कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने भारत में जनसांख्यिकी लाभ, विनिर्माण क्षमताओं और अनुकूल कारोबारी माहौल का उल्लेख करते हुए निवेशकों के लिए लाभप्रद अवसरों को रेखांकित किया। पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के वाणिज्य मंत्रियों के साथ अलग से द्विपक्षीय बैठकें भी की। उन्होंने अमरीका की व्यापार प्रतिनिधि से भी मुलाकात की। वो अमरीका के वाणिज्य मंत्री जिन रायमोंडो से मुलाकात करने वाले हैं। हम बता दें पीयूष गोयल अमरीका की 4 दिन की यात्रा पर हैं। चारधाम परियोजना के तहत निर्माणाधीन सिलक्यार पोल गांव सुरंग में 40 श्रमिकों की जिंदगी कैद है। इन श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए नई योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए सुरंग के भीतर ऑगर ड्रिलिंग मशीन के जरिए 900 मिलीमीटर व्यास का यूम पाइप डाला जा रहा है। उत्तरकाशी जिले के मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि प्रशासन लगातार श्रमिकों के संपर्क में है। उन्हें दवाइयाँ, ऑक्सीजन, पानी और पर्याप्त खाना पहुंचाया जा रहा है। आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाने वाला है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। ये मैच दिन के 2 बजे शुरू होगा। विश्व कप के सेमीफाइनल में दूसरी बार दोनों टीमें आमने सामने होंगी। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया इस समय शानदार फॉर्म में है और लीग चरण के सभी 9 मैच जीतकर भारतीय टीम के हौसले आसमान की बुलंदियों पर है। एक और जहां भारत टूर्नामेंट में अपराजय रहा है, वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन लीग स्टेज में भी दोनों धर्मशाला में एक दूसरे से टकरा चुके हैं, जिसमें भारत ने धमाकेदार अंदाज में जीत हासिल की थी। वहीं अब दोनों की टक्कर आज सेमीफाइनल में होने जा रही है। और अब सुप्रभात में समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं आज के इतिहास के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। 15 नवंबर साल 1875 को झारखंड के खूंटी में जन्मे बिरसा मुंडा का अंग्रेजों की दासता से मुक्ति का संकल्प एक बड़े आंदोलन के रूप में सामने आया। बिरसा मुंडा भारत की स्वाधीनता के ऐसे नायक जिन्होंने स्व के भाव से देश के लोगों को ओतप्रोत कर दिया। पूरा जनजातीय समाज इस संघर्ष में उनके साथ खड़ा हो गया। उनसे भयभीत होकर ब्रिटिश सरकार ने साल 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दुखद रूप से उनकी गिरफ्तारी के बाद उसी वर्ष मात्र 25 वर्ष के अल्पायु में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। अपने लोगों के लिए बलिदान देने वाले बिरसा मुंडा को जनजातीय समाज भगवान के रूप में पूजता है। देश समाज के लिए इस अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार साल 2021 से उनकी जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाती है।
ऐसे वीर पराक्रमी पुरुष को उनकी जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। 15 नवंबर साल 2000 को भारत गणराज्य के एक अलग राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना हुई। इसकी राजधानी रांची है। बिहार राज्य के दक्षिण हिस्से को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का गठन किया गया। झारखंड के कुड़माली भाषा के अनुसार झाड़ का तात्पर्य है जंगल झाड़ी, इसीलिए इसे झाड़ यानी जंगलों का प्रदेश झारखंड कहते हैं। छोटा नागपुर पठार में बसा होने के कारण इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी कहा जाता है। 325 ईसा पूर्व में भारत के बिहार राज्य से उत्पन्न झारखंड मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था।